हरे कृष्ण हरे हरे जय राधा माधवा कुन्या बिहारी जय राधा माधवा कुन्या बिहारी गोपीजनवल्लभ केवल जय गोपीजनवल्लभ केवल यशोदानन्दन भज जन रंजन यशोदानन्दन भज जन रंजन यमुना तेरा बन चाहि यमुना तेरा बनचाहि जय राधा माधव कुन्या बिहारी जय राधा माधव कुन्या बिहारी जय गोपीजनवल्लभ केवल जय गोपीजनवल्लभ केवल यशोदानन्दन भज जन रंजन ब्रज जल रंजन यशोदानन्दन भज जन रंजन यमुना तेरा यमुना तेरा बन जाय राधा माधव कुन्या बिहारी जय राधा माधव कुन्या बिहारी हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का आज के इस बलराम कथा के पहले दिन में हार्दिक स्वागत है।
और हमारा परम सौभाग्य आज हमारे बीच में बहुत ही विशेष वक्ता उपस्थित हैं, परम पूजनीय भक्ति प्रभाव स्वामी महाराज। वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू हैव वेरी डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर विद अस टुडे, हिज होलीनेस भक्ति प्रभाव स्वामी महाराज। उनका छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। महाराज इस्कॉन के संपर्क में 1992 में आए और 1992 से 96 तक महाराज ने वहाँ पे ग्रैंड जगह है फ्लैंडर्स में, वहाँ नामहट में सेवा की। और 1996 में महाराज ने राधा देश टेम्पल ज्वाइन किया और महाराज इज अ डिसाइपल ऑफ हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज। और 2015 में महाराज गॉट द सन्यास इनिशिएशन फ्रॉम हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज। और राइट फ्रॉम द बिगनिंग डेज महाराज हैज बीन रेंडरिंग वेरी रिस्पॉन्सिबल सर्विस इन दिस मिशन। और इससे पहले ही वॉज अ फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ यूरोपियन RGB और उसके उसमें उन्होंने बहुत सी जिम्मेवारी की सेवाएं निभाई और उन्होंने पहला एक यूरोपियन लीडर्स का मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। इसके साथ साथ महाराज सेक्रेटरी ऑफ ग्लोबल GBC ऑल्सो एंड द सेक्रेटरी ऑफ GBC एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑल्सो। इसके साथ साथ महाराज ने एक नया सेंटर खोला था ब्रुसेल्स में और 1999 से 2004 तक ही एक्टेड एज अ लीगल डायरेक्टर फॉर न्यू मायापुर इन फ्रांस। एंड इन मार्च 2006 महाराज की सेवाओं के लिए इनको रिकॉग्नाइज किया गया। इन मार्च 2006 ही रिसीव्ड अ ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड फॉर एक्टिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ इस्कॉन। इन सबके साथ साथ बीच में महाराज ने राधा देश में बहुत सी मैनेजमेंट सेवाओं को देखा, एडमिनिस्ट्रेशन एज अ लीगल एडवाइजर, एज अ ट्रस्टी, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और साथ में इन सब सेवाओं के साथ साथ में जो मुख्य बात है, महाराज स्टडी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स फ्रॉम 2004 टू 2016 और स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स में स्टडी करते हुए महाराज गॉट MA डिग्री एंड ऑल्सो अ PhD डिग्री इन स्टडी ऑफ रिलीजन इन जून 2016। सो महाराज इज अ डॉक्टरेट इन रिलीजन। इसके साथ साथ महाराज हैज डन भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांत एंड महाराज ट्रेवल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टीचिंग भक्ति वैभव, भक्ति शास्त्री एंड भक्ति वेदांत। And he's a member of ISKCON board for examination as well as a member for Shastric Advisory Council and a member of various committees for Sannyas ministry. So we are extremely fortunate to have His Holiness Bhakti Prabhu Swami Maharaj. And on a personal level, I am very extremely fortunate to have his association. In the month of July, Maharaj ka mujhe 2 saptah ka bada nikat ka sang mila aur main Maharaj ki saralta se और महाराज का भी शास्त्रों का गूढ़ ज्ञान है, प्रभुपाद के प्रति जो समर्पण है, उससे बहुत प्रभावित हुआ। और हमारा सौभाग्य है कि इस बलराम जयंती के उत्सव में महाराज हमारे बीच में हैं। तो आप सबसे निवेदन है, पूरे ध्यान से महाराज का प्रवचन सुनिए, इनके संग का लाभ उठाइए। बहुत कम समय के लिए महाराज हमारे बीच में है, आज दोपहर को निकल जाएंगे। तो एक बार यहाँ महाराज का स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सून वी विल सेलिब्रेट बलराम पूर्णिम एंड अस सच आई चूज़न अ वर्स रिलेटेड टू द पावर, spiritual power of Lord Balaram. So we will discuss Canto 7, Chapter 15, Verse 45. In this verse it is mentioned Hyanasim Atsyuta Bado. So this refers to the spiritual power of Lord Balaram. So Atsyuta Bala, the transcendental strength of Lord Krishna. जो शक्ति है भगवान कृष्ण की, अच्युत बला। इट इज अ वेरी लॉन्ग पर्पोट
But we will only read the last three paragraphs. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Seva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jamudirayat Nastape Svabhadrasu Nityam Bhagavata Sevya Bhagavati Uttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki. So, I will try to chant the Sanskrit. हम संस्कृत श्लोक उच्चारण करना चाहेंगे. यवनिकाया रतमात्मवसु प्रकल्पम् प्रकल्पम् दत्ते हरिष्टा चरणा चरणा निषादम् दत्ते गरिष्ठ चरणार्चनया निषादम् ज्ञानासिमस्युत बालो ददत् अस्तु शत्रु ज्ञानासिमच्युत बलो ददस्त शत्रु स्वानन्द तुष्टा उपशन्ता इदं विचायात् स्वानन्द तुष्ट उपशन्त इदं विजहायात् यावन्निकाय गतमात्मपशु प्रकल्पम् दत्ते गरिष्ठ चरणार्चनया निषातम् ज्ञानासिम् अस्युत बालो ददत् अस्तु शस्तु सा स्वानन्द तुष्टा उपशन्त इदं विचारात् यवन्निकाय गतमात्मपशु प्रकल्पम् दत्ते गरिष्ठ चरणार्चनया निषातम् ज्ञानासिम् अस्युत बालो ददत् अस्तु शस्तु स्वानन्द तुष्टा उपशन्त इदं विचायात् Satsang
Mataji's, please. Yavannikaya yatamatma pasupakalpam. Tate gavishya saranatsanayanishatam. Nasima syutabalo dadadasta satuhu. Sananda tushta upashanta idam visayat. You can read word for word translation. अनुवाद जब तक मनुष्य को इस शरीर को इसके विभिन्न अंगों तथा सात समान सहित जो पूर्णतः अपने वश में नहीं है स्वीकार करना है तब तक उसे अपने श्रेष्ठ जनों अपने गुरु तथा गुरु के पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण कमलों को धारण करना चाहिए। उनकी कृपा से वह ज्ञान की तलवार को तेज कर सकता है और भगवत कृपा के बल पर तब वह उपयुक्त शत्रुओं को पराजित कर सकता है। इस प्रकार भक्त को अपने ही दिव्यानंद में लीन रहने में समर्थ होना चाहिए और तब वह अपना शरीर त्याग कर अपनी आध्यात्मिक पहचान फिर से पा सकता है। I'll read now in English. As long as one has to accept a material body with its different parts and paraphernalia, which are not fully under one's control, one must have the lotus feet of his superiors, namely his spiritual master and the spiritual master's predecessors. By their mercy, one can sharpen the sword of knowledge, and with the power of the Supreme Personality of Godhead's mercy, one must then conquer the enemies mentioned above. In this way, the devotee should be able to merge into his own transcendental bliss, and then may give up his body and resume his spiritual identity. And now we go to the end of the purport, and there's a paragraph. Maybe I will read it in English and then you can translate. Purport by A.C. Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada Ki. Jnanasim, the sword of knowledge. Significant in this verse are the words Jnanasim Achyuta Bala. Jnanasim, the sword of knowledge, is given by Krishna. And when one serves the Guru and Krishna, in order to hold the sword of Krishna's instructions, Balaram gives one strength. Balaram is Nityananda, Vajendrananda ye sachichute haila se, Balarama haila nitai. This Balaram comes with Sichitanya Mahaprabhu. And both of them are so merciful that in this age of Kali, one may be very easily take shelter of their lotus feet. They come especially to deliver the fallen souls of this age. Papitapiyata chila arinama udarila. Their weapon is Sankirtan, Harinam. Thus one should accept the sword of knowledge from Krishna and be strong by the mercy of Balaram. We are therefore worshipping Krishna Balaram in Vrindavan in the Mundaka Upanishad 3-4 it is said. Nayamatma Balainena Dapyo Nasa Pramada Tapasovya Palingat Eterpaye Yatate Yastu Vidvams Dasesha Atma Vishate Brahmadama. One cannot attain the goal of life without the mercy of Balaram. Shinautam Das Thakur therefore says, Nitaye Rakuna Habi Vratshe Radha Krishna Pabi. When one receives the mercy of Balaram, Nityananda, one can attain the lotus of Radha Krishna very easily. Se sambandha naiyas, britta janma geletar,
Pityakule ki karibetar. If one has no connection with Nitai Balaram, even though one is a very learned scholar or jnani, or has taken birth in a very respectable family, these assets will not help him. We must therefore conquer the enemies of Krishna consciousness with the strength received from Balaram. तात्पर्य जो आखिरी तीन स्टैंजर्स हैं वो पढ़ रहे हैं। इस श्लोक में ज्ञान से अच्युत बलह शब्द महत्वपूर्ण है। ज्ञान से अर्थात ज्ञान रूपी तलवार कृष्ण द्वारा दी जाती है, और जब कोई कृष्ण के उपदेश रूपी तलवार को पकड़ने के लिए गुरु और कृष्ण की सेवा करता है तो बलराम उसे बल देते हैं। बलराम नित्यानंद है, ब्रजेंद्र नंदन बलराम। ये बल अर्थात बलराम श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ आता है, और ये दोनों इतने कृपालु हैं कि इस कलयुग में कोई भी सुगमता से उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है। ये विशेषतर इस युग की पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए आते हैं। पापिता पे यदा छीला हरि नाम उद्धारिला, उनका हथियार संकीर्तन या हरि नाम है। इस तरह मनुष्य को कृष्ण से ज्ञान रूपी तलवार ग्रहण करके तथा बलराम की कृपा से बलिष्ठ बनना चाहिए। इसलिए हम वृंदावन में श्री कृष्ण बलराम की पूजा कर रहे हैं। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, नायमात्म बलभूमि न लभ्यो न च कमादा तद सौभाप्य लिंगा एतय रूपा यत ते अस्तु विद्वांस तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्म धाम। बलराम की कृपा के बिना जीवन लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता। दैव श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, निता येरा करुणा हवे व्रजे राधा कृष्ण पावे। जब नित्यानंद अर्थात बलराम की कृपा प्राप्त होती है तो राधा कृष्ण के चरण कमल सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। से संबंध ना हुआ व्रथा जन्म गेलता विद्या कुले की करी बेता। यदि किसी का निताई अर्थात बलराम से कोई संबंध नहीं होता तो वह भले ही ज्ञानी हो अथवा सम्मानित परिवार में जन्मा हो, उसकी ये संपदाएं काम नहीं आती। अतएव हमें बलराम से प्राप्त हुए बल द्वारा कृष्ण महामृत के शत्रुओं को जीतना चाहिए। ओम ज्ञानतिमन्नस्य चैतन्य मनोपिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयम् उपकदामयम् ददाति स्वापनन्तिकम्। वन्देहं शिवो श्रीयुधपादकमलं शिवं वाष्णवंशं श्रीरूपं जगजातं सघनविघ्नतं वितं तं सजीवं सद्वैतं सवलोतं पर्जनसहितं श्रीकृष्णचैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपदं सकललितशिवशाखं वितं श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धुत्युत्पत्ति गोपेश गोपकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कृष्ण गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवे प्रणमामहे प्रिये वंशाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धवेभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चाय दशातरणे शिलप्रपात की। सो लॉर्ड बलराम इज वन हु गिव्स स्ट्रेंथ। दिस इज क्लोजली कनेक्टेड विद गुरु तत्व। बलराम जी शक्ति देते हैं और इसका संबंध गुरु तत्व से है। We know of course about the strength of Lord Balaram. हम निश्चित रूप से जानते हैं भगवान बलराम की शक्ति के बारे में। How he was drawing the city of Astinapur in the Yamuna
और जब हस्तिनापुर में वो थे किस प्रकार से उन्होंने यमुना को बुलाया और ही वाज डिवाइडिंग द यमुना इन लिटिल स्ट्रीम्स व्हेन यमुना डिड नॉट ओबे टू हिज ऑर्डर्स जब यमुना ने उनके आदेशों का पालन नहीं किया तो कैसे उन्होंने उनको अलग अलग धाराओं में विभाजित कर दिया बट हियर इन द परपोर्ट इज अस्यूता बाला मींस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और यहां तात्पर्य में जो शक्ति के बारे में बताया गया वो आध्यात्मिक शक्ति है बलराम की सो लॉर्ड बलराम इज द फर्स्ट गुरु भगवान बलराम पहले गुरु हैं बिकॉज Lord Balaram knows how to serve Krishna. क्योंकि भगवान बलराम को पता है भगवान कृष्ण की सेवा कैसे करनी है. So this brings us to the point of the importance of taking shelter of the Guru's lotus feet. तो हमें ये इस तथ्य पर लाता है कि कितना महत्वपूर्ण है उनकी शरण ग्रहण करना. How do we take shelter to the Guru's lotus feet? उनके चरण कमलों की शरण कैसे ग्रहण की जाती है By taking shelter of his instructions, उनके निर्देशों की शरण ग्रहण करके that, in the Bhagavad Gita 241 Srila Vishwanath Chakravarti Thakur comments on Vyavsa Atmika Buddhi भगवद गीता 241 के जो श्लोक है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि उसमें श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तात्पर्य देते हैं दिस वन पॉइंट ऑफ इंटेलिजेंस मींस द टेकिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर्स वंस लाइफ एंड सो कि एकाग्र जो बुद्धि है उसका अर्थ है आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों को अपना जीवन बनाना अपना आत्मा बनाना लाइक द व्रजवासीज दे हैड Always Krishna in their mind. जिस प्रकार से ब्रजवासियों के मन में सदैव कृष्ण रहते हैं So the dedicated disciple has always the Guru's instructions in his heart. उसी प्रकार से एक समर्पित शिष्य गुरु की आज्ञाओं को सदैव अपने मन और हृदय में धारण करता है We know that Lord Nityananda, Lord Balaram are the same person. हम जानते हैं भगवान नित्यानंद और भगवान बलराम एक ही व्यक्तित्व हैं. So the instructions of our spiritual master are also the instructions of Nityananda, Balaram. तो हमारे आध्यात्मिक गुरु की जो निर्देश हैं, वो ही भगवान नित्यानंद और भगवान बलराम के निर्देश हैं. So we have here. It brings us what is the duty of the spiritual master. एक आध्यात्मिक गुरु का क्या कर्तव्य होता है? The duty of the spiritual master is to present the teachings of Lord Krishna. आध्यात्मिक गुरु का कर्तव्य है भगवान कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं उनको प्रस्तुत करना. To present these teachings in a suitable manner. So that the disciple can easily digest it. तो उनकी शिक्षा को इस तरह से यथोचित रूप में प्रस्तुत करना कि शिष्य सरलता से उसको ग्रहण कर पाए. Of course, one of the instructions of the spiritual master is to go on book distribution. निश्चित रूप से आध्यात्मिक गुरु का एक निर्देश है पुस्तक वितरण की सेवा पे जाना. Interesting, if you go on book distribution, then you are also a guru. You are also? A guru, a spiritual master. अगर आप पुस्तक वितरण की सेवा पे जाते हैं तो आप एक गुरु की तरह भी कार्य करते हैं. Because you act as Vartma Pradarshaka guru. क्योंकि आप पथ प्रदर्शक गुरु के रूप में कार्य करते हैं. You connect people with the teachings of the Guru Parampara. आप लोगों को संबंध जोड़ रहे हैं जो गुरु परंपरा की शिक्षा है उनसे. You are extending this teachings of the Guru Parampara. गुरु परंपरा के जो निर्देश हैं, जो उनकी शिक्षा है उनका विस्तार कर रहे हैं. You offer these teachings directly to the conditioned souls. जितने भी बद्ध जीवात्माएं हैं उनको आप ये अवसर दे रहे हैं शिक्षा ग्रहण करने का.
In that sense, we are a guru. तो उस मायने में आप गुरु की तरह भी कार्य करते हैं. But that also means we should act exemplary. और इसका अर्थ ये भी है कि हमारा जो व्यवहार है बहुत उचित होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए. But to perform this jhakya of spreading Krishna consciousness, ये जो यज्ञ है कृष्ण भावनामृत प्रचार करने का, we must do that with this sword, this asyuta bala sword in the hand. तो उसको हमें करना चाहिए, ये जो जो suitable sword है, जो यथा उच्च तलवार है बल का, उसके साथ. It means we need the spiritual strength to perform this service. इसका अर्थ यह है हमें आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है इस सेवा को संपन्न करने के लिए. It is said we get the sword or the instructions from Lord Krishna. और ये जो बल है या ये जो ज्ञान की तलवार है, बल की तलवार, ये हमें भगवान कृष्ण से प्राप्त होती है. This, and then we have to sharpen it with the instructions of the spiritual master. इसकी धारा को तेज करना होता है आध्यात्मिक गुरु के निर्देश का पालन करके. So it means to use the sword, we need vairagya, detachment and knowledge, vidyam. तो ये जो तलवार है ज्ञान और वैराग्य की. Vairagya means to use the sword, we should be detached from sense enjoyment. वैराग्य का अर्थ है इस जो तलवार है इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको अनासक्त होना होगा इंद्र तृप्ति से, जहां तक मुझे पता है. एंड देन वी कैन यूज द सोर्ड विथ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. और तब आप इस तलवार का इस्तेमाल कर सकते हैं दिव्य ज्ञान से. सो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ वैराग्य and vidya is important. तो इसलिए जो वैराग्य और विद्या इन दोनों का मिलन आवश्यक है. Because to get spiritual strength, we must conquer the enemies which were mentioned in the previous verse. तो इस आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमें शत्रुओं पर विजय प्राप्त करनी होगी जो पिछले श्लोक में बताए गए हैं. So I read about these enemies by reading the translation of the previous verse. तो उससे जो पिछला श्लोक है उसका अनुवाद मैं पढ़ता हूँ. In the conditioned state, one's conceptions of life are sometimes polluted by passion and ignorance, which are exhibited by attachment, hostility, greed, lamentation, illusion, fear, madness, false prestige, insults, fault finding, deception, envy, intolerance, passion, bewilderment, hunger and sleep. These are all enemies. Sometimes one's conceptions are also polluted by goodness. बदवस्था में मनुष्य की जीवन संबंधी अवधारणाएं कभी कभी काम इच्छा तथा ज्ञान रजो तथा तमोगुण के कारण दूषित हो जाती हैं, जो आसक्ति, शत्रुता, लोभ, शोक, मोह, भय, मद, झूठी प्रतिष्ठा, अपमान, दोषान्वेषण, छलावा, ईर्ष्या, असहिष्णुता, काम इच्छा, मोह, भूख तथा निद्रा के रूप में प्रकट होती है. Therefore, this vairagya and vidya are very important in order to do our service, whatever service we do, with spiritual strength. तो इसलिए ज्ञान और वैराग्य बहुत महत्वपूर्ण है. आप कोई भी सेवा करें परंतु ये स्पिरिट होनी चाहिए. Unless there is vairagya and vidya, we cannot do the jhakya. जब तक ये वैराग्य और विद्या नहीं होगी तब तक हम यज्ञ नहीं कर पाएंगे. So we need to prepare for the jhakya, for the sacrifice. इसलिए यज्ञ करने के लिए तैयारी की आवश्यकता होती है. So we chant the holy names in the morning, we chant japa. तो सुबह हम भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं, जप करते हैं. The spiritual strength comes from chanting these holy names with great attention and without offenses.
तो ये जो आध्यात्मिक शक्ति है ये आता है पवित्र नामों का जप करके, महान ध्यान लगाकर और बिना अपराध किए। And then we can conquer these enemies of the mind, lust and greed. और तब हम ये आंतरिक शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, काम, क्रोध, लोभ। And then we get spiritual strength. और तब हमें आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। That, so because it means we need to follow the person of Krishna consciousness in a proper way. इसका मतलब है कि हमें कृष्ण भावना भावित भक्त का अनुगमन करना है सही तरीके से। My spiritual master Bhakti Charamaraj used to say, मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं श्रील भक्ति चारू स्वामी महाराज वो कहा करते थे, We must get on the boat of transcendental knowledge. दिव्य ज्ञान का जो ये नाव है हमें उस पर चढ़ना चाहिए। This boat is ISKCON. ये जो ज्ञान है, जो ये नाव है वो ISKCON है। And Srila Prabhupada is a captain. और श्रील प्रभुपाद इस जहाज के कैप्टन है। And the chanting of the holy name are the favorable winds. पवित्र नामों का जप हवाएं हैं। The only thing we have to do is to stay on the boat. हमें सिर्फ इस जहाज पर बने रहना है। That's like a son of a rich man. The only thing we have to do to get the heritage of his father is stay alive. जिस प्रकार से एक अमीर पिता का पुत्र है, अगर उसको पूरी जायदाद चाहिए तो उसके लिए उसे बस जिंदा रहना है। So we just have to stay in the boat. तो हमें सिर्फ जहाज में रहना है। How do we stay on the boat? जहाज पे हम कैसे रहते हैं? Bhakti Sharma said, for this you have to follow the process of Krishna consciousness properly. इसके लिए आपको कृष्ण भावना का जो मार्ग है इसका सही रूप से पालन करना होगा। And you have to do four things every day. और आपको चार चीजें प्रतिदिन करनी है। Follow the regulative principles. जो regulative principles हैं, चार नियम, उनका पालन करना। Chanting your rounds with attention. अपने जप ध्यान पूर्वक करना। And then hear the Bhagavatam every day. श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना प्रतिदिन। And then perform service for Srila Prabhupada's mission. और श्रीला प्रभुपाद का जो आंदोलन है उसके लिए सेवा संपन्न करना। So these four things you need to do every day. तो ये चार चीजें प्रतिदिन आपको करनी है। If you miss one of these things, you may fall out of the boat. अगर आप इन चारों में से कुछ भी एक मिस कर देते हैं तो आप हो सकता है जहाज से बाहर गिर जाएं। So to stay on the boat, we need to do these four things. जहाज पर रहने के लिए आपको ये चार चीजें करनी है। Because if you do these four things, then you get the strength of Balaram. अगर आप ये चार चीजें रोज करते हैं तब आपको बलराम जी से जो शक्ति है वो प्राप्त होगी। So this strength is required to approach Krishna. इस बल की आवश्यकता है भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। One cannot have a relationship with Radha and Krishna if one does not have a relationship with Balaram. अगर किसी का बलराम जी के साथ संबंध नहीं है तो राधा कृष्ण के साथ संबंध नहीं हो सकता। And Balaram represents the spiritual master. और बलराम आध्यात्मिक गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। When of course Lord Balaram plays a special role in Krishna's pastimes. Balaram ji ka bahut vishesh role hai Krishna Leela mein. When Bhimasen and Duryodhana were fighting with the club. Jab Bhimasen aur Duryodhan yudh kar rahe the aapas mein, gada yudh kar rahe the. Then Balaram said, "Stop this fight because they are equal in strength."
what's the use? तो बलराम जी ने उनको कहा कि ये युद्ध रोक दो क्योंकि दोनों बराबर स्तर के योद्धा थे। But their enmity and their anger to each other was so strong that they didn't hear the instructions of Balaram. परंतु उनके अंदर इतना शत्रुत्व का भाव था और इतना क्रोध भरा हुआ था कि उन दोनों में से किसी ने बलराम जी के निर्देश को सुना नहीं। So, because they were so angry one of another, remembering all the things what happened in the past, he did that to me and so on. क्योंकि इतने क्रोधित थे और उन दोनों में से हर कोई सोच रहा था इसने मेरे साथ पूर्व में इस प्रकार से अन्याय किया है। So we have to be very careful not to be absorbed in all this attachment and aversion of this world. तो हमें इस राग द्वेष में नहीं पड़ना चाहिए। But rather perform this asadana and service properly, then we will get the strength to come over this raga and dvesha, this attachment and aversion. तो अगर हम अपनी साधना और सेवा को सही रूप से करेंगे तब हमें ये बल प्राप्त होगा कि हम राग द्वेष से ऊपर उठ पाए। Anyway, Lord Balaram went. He left. He didn't want to have anything to do with this battle, upcoming battle of Kurukshetra. तो बलराम जी वहां से चले गए, वो कुछ भी नहीं करना चाहते थे इस युद्ध के साथ अपना। So, and he went to Prabhaskshetra to on pilgrimage, blessing the Brahmins. तो प्रभास क्षेत्र पे गए, तीर्थ यात्रा पे गए, वहां ब्राह्मणों को आशीर्वाद दिया। And with together with some Brahmins, he went on pilgrimage in different places, surely to the north when he came to the Yamuna. तो उन ब्राह्मणों के साथ फिर वो अलग अलग तीर्थ स्थानों पर गए और तब उत्तर दिशा में आए। And finally, Lord Balaram came to Naimi Sharanya. और उसके बाद वो नैमि शरण्य पहुंचे। जहां पे बहुत सारे ऋषिगण एक यज्ञ कर रहे थे। And they blessed Ramaharshana Sutta to have a long life and to speak from the Bhagavatam because he had studied all the Puranas. जहां उन्होंने आशीर्वाद दिया था रोम हर्षन को श्रीमद भागवत दीर्घायु का क्योंकि उसने पुराणों से अध्ययन किया हुआ था। But then Lord Balaram arrived there and all the sages, all the Brahmins stood up and offered this respect to him. और जब बलराम जी वहां पर पहुंचे तो सारे ऋषिगण संतगण वहां पर खड़े हुए और उनका स्वागत किया, सम्मान किया। They were all very much aware that he was the supreme, that he is the supreme personality of Godhead. हर कोई उनकी स्थिति से अवगत था कि वह परम भगवान है। But Roma Harshan Sutta, he remained sitting on the Vyasasam without getting up. तो रोम हर्षन नहीं उठा, वो व्यासासन पर बैठा रहा। But of course that normally, the one who sits on the Vyasasan, he does not stand up to offer obeisances. तो साधारणतः जो व्यासासन पर बैठा है उसको खड़े होने की आवश्यकता नहीं है प्रणाम अर्पित करने के लिए। But this is exceptional because the Supreme Personality of Godhead is there. परंतु यहाँ परिस्थिति विशेष थी, स्वयं परम भगवान वहां पर प्रकट हुए थे। And Lord Balaram was very much displeased with Romaharshan Sutta. तो भगवान बलराम बहुत अप्रसन्न थे रोमहर्षण का ये दृष्टिकोण देखकर। He said, "Is a so-called Brahman." और उन्होंने कहा ये तथाकथित ब्राह्मण है। But he has not developed gentle qualities. परंतु उसने जो गुण है जेंटल जो गुण है उसको विकसित नहीं किया। To become gentle is a quality of a Brahman.
और सज्जन सुशील होना ये ब्राह्मण का एक गुण है। That, but he had not developed these good qualities. परंतु इसने इन गुणों का विकास नहीं किया है। So he was a Brahmin in name only. तो ये सिर्फ नाम का ब्राह्मण है। This, in spite of having studied all the Puranas and the Vedas and becoming expert in it. सारे वेदिक पुराणों का अध्ययन करने के बावजूद he could not understand that the purpose of the Vedas, वो वेदों का जो सही मर्म और लक्ष्य है वो नहीं समझ पाया is to perform devotional service to the Supreme Lord, जो है परम भगवान को भक्तिमय सेवा प्रदान करना। That was the problem because in spite of having studied all the Vedas, he could not understand the highest principle of religion. तो इतने वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भी जो धर्म का सबसे उच्चतम सिद्धांत है उसके बारे में इसकी कोई भी समझ नहीं है। What's the highest principle of religion which is explained in Bhagavad Gita? भगवत गीता में धर्म का जो सबसे मूलभूत सिद्धांत है उसका वर्णन हुआ है वो क्या है? It is surrender to the Supreme Personality of God. परम भगवान को शरणागत होना। That, so, and what's the highest principle explained in Srimad Bhagavatam? और श्रीमद् भागवतम में क्या वर्णन हुआ है इसके संबंध में? The highest principle of religion is devotional service to the Supreme Personality of Godhead. भगवान के प्रति जो भक्ति में सेवा है। So, Ramakrishna Sutta, he did not understand the highest principle of religion. तो रामहर्षन इस जो सिद्धांत है, उसको नहीं समझ पाया था। So, in this, in spite of having studied all the Vedas. जहां तक उसने सारे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन किया है फिर भी इस सिद्धांत के प्रति वो अवज्ञ था। So, as a Brahman, he was put in the position of a Brahman. तो उसको ब्राह्मण पद पर बिठाया गया था। But without actual realization. परंतु उसके अंदर वास्तविक साक्षात्कार नहीं था। Therefore, his elevation to the Brahminical status was not valid. तो इसलिए जो उसका ब्राह्मण पद पर जो उसको बिठाया गया वो वैलिड नहीं था। So what is the purpose of Krishna's appearance or Balaram's appearance? भगवान कृष्ण या भगवान बलराम के प्राकट्य का क्या उद्देश्य है? Whenever and wherever there's a decline in religious practice, जहां जहां जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म का पतन होता है, then I appear to re-establish the principles of religion. तब मैं प्रकट होता हूं धार्मिक सिद्धांतों को स्थापना करने के। And there you have Ramakrishna Sutta, and he does not understand this principle. और यहाँ पर जो रामहर्षन था उसको इस सारे धर्म सिद्धांतों के बारे में नहीं पता था। Because he was not submissive, before he was not humble in the presence of the Supreme Personality of Godhead. क्योंकि वो विनम्र नहीं था, शरणागत नहीं था परम भगवान स्वयं परम भगवान की उपस्थिति में भी। Srila Prabhupada said, its learning was as a valuable jewel decorating the hood of a serpent. और शिला प्रपद उदाहरण देते हैं उसके जितना भी उसके पास ज्ञान था उसकी तुलना वो कर रहे हैं एक सर्प के शीश पर रखी मणि के समान। So if one does not become meek and humble, his studies of the Vedas and the Puranas, it's simply an outward dress. तो अगर कोई विनम्र नहीं होता, विनम्रता विकसित नहीं करता, शील नहीं होता, तो उसकी जितनी भी उसका पांडित्य है या उसकी ज्ञान है वो सिर्फ एक भारी दिखावा के समान है। That, so this asyuta bala means spiritual strength, a sort of spiritual strength. अच्युत बलाह इसका अर्थ है आध्यात्मिक बल का स्रोत। We
in the third canto, in the ninth chapter, Lord Brahma is praying for creative powers, empowerment. बारहवे स्कंद के नौवे अध्याय में भगवान दूसरा सेकंड कैंटो थर्ड कैंटो चैप्टर नाइन अच्छा तीसरे स्कंद के नौवे अध्याय में ब्रह्मा जी की जो सृष्टि वो करते हैं उसके बारे में वर्णन है. The creation is described in the second and the third canto in both. The creation is described in the second and the third canto of the Bhagavatam. Bhagavatam के दूसरे और तीसरे स्कंद में सृष्टि कैसे होती है उसके बारे में वर्णन है. So in the third canto, chapter 9, there the chapter is entitled Lord Brahma's prayers for creative energy. तो तीसरे स्कंद के नौवे अध्याय जिसका शीर्षक है अंग्रेजी में लॉर्ड ब्रह्मा प्रेयर्स फॉर क्रिएटिव. And then Lord Brahma prays to the Supreme Lord for three things. और वहां पर ब्रह्मा भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं तीन चीजों के लिए. He prays for empowerment, introspection and protection. एम्पावरमेंट एंड सशक्त होने के लिए, आत्मलोकन इंट्रोस्पेक्शन के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा प्राप्त करने के लिए. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर बिफोर व्हाटएवर वी डू वी प्रे टू द स्पिरिचुअल मास्टर एंड टू कृष्णा एंड बलराम फॉर दिस थ्री थिंग्स. तो महत्वपूर्ण है कि हम परम भगवान अपने हाथ में गुरु से इन तीन चीजों के लिए प्रार्थना करें. Why is this important? ये महत्वपूर्ण क्यों है? In 18th chapter, Krishna speaks about five factors of action. भगवद गीता 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण कर्म के जो पांच पूरक हैं उनके बारे में बताते हैं, पांच कारण के बारे में. He speaks about the adhisthanam, the body, and then about the senses and the endeavors in the mind. This is all the body. अधिष्ठानम, कारण, चेष्टा, भगवान, ये सारे जो कर्म के कारण हैं. सो दिस आर थ्री ऑफ द फाइव फैक्टर्स. तो उन पांच में से तीन जो कारण है वो ये हैं. एंड हु कंट्रोल्स दिस थ्री फैक्टर्स. और इन तीन कारणों का नियंत्रण कौन करते हैं? द सुपर सोल. परमात्मा. परमात्मा कंट्रोल्स दिस थ्री. तो परमात्मा इन तीन कारणों को नियंत्रण करते हैं. कृष्ण एक्सप्लेन्स इन 9:10 ऑफ भगवद गीता में याद रक्षण प्रगति च्युत शेष अच्छा अच्छा आई कंट्रोल मटेरियल नेचर एंड ऑफ एन ऑल लिविंग एंड नॉन मूविंग मूविंग एंड नॉन मूविंग लिविंग एंटिटीज. तो भगवान कृष्ण कहते हैं जितने भी भौतिक प्रकृति है उसका नियंत्रण मैं करता हूं. दैट सो एंड देन We are one of these five factors. और हम इन पांच कारणों में से एक कारण है. The soul. आत्मा. The soul, the symptom is consciousness. चेतना. And what's the activity of the soul? आत्मा का क्या कार्य है? Being attached to something, desire. इच्छा करना, किसी चीज से आसक्त होना. So we desire. हम इच्छा करते हैं. And The super soul notices that desire. परमात्मा उस इच्छा को देखते हैं. And according to what we deserve, that desire will be fulfilled or not fulfilled. और जितना हमारी योग्यता है उस हिसाब से वो इच्छा पूरी होगी या पूरी नहीं होगी. So, therefore, the devotee knows Krishna controls everything. इसलिए भक्त जानता है कि कृष्ण सभी चीजों को नियंत्रित करते हैं. So Krishna says in Bhagavad Gita, one who does not consider these five factors of action is not very intelligent. भगवान कृष्ण कहते हैं जो कर्म के जो पांच कारण है जो इनसे अवगत नहीं है तो वो बुद्धिमान नहीं है. But the devotee is intelligent. He knows, yes. I desire and if Krishna willing it will happen. परंतु एक भक्त बुद्धिमान होता है, वो जानता है कि मैं इच्छा कर सकता हूँ और अगर भगवान कृष्ण चाहेंगे तो वो होगा.
इफ वी डोंट अंडरस्टैंड दैट प्रिंसिपल, अगर हम इस सिद्धांत के बारे में नहीं जानते, इसको नहीं समझते, कृष्ण से प्रकृति के अमानी गुण कर्म सर्वसाहंकार विमूढ आत्मा का स्थापित मान्यते, इसे यू आर विमूढ अ सुपर एस, तो तब आप एक विमूढ़ होंगे अहंकार के वशीभूत. सो वी शुड बी इंटेलिजेंट, तो इसलिए आपको बुद्धिमान होना होगा. एंड बिफोर वी डू समथिंग, और कुछ करने से पहले, एनीथिंग, कुछ भी करने से पहले, वी प्रे टू द स्पिरिचुअल मास्टर, ओम मा ज्ञानति मध्यात्मिक गुरु को प्रार्थना करते हैं. सो ब्रह्मा इज स्पिरिचुअल मास्टर वॉज डायरेक्टली कृष्ण, तो ब्रह्मा के जो अध्यात्मिक गुरु है वह स्वयं भगवान कृष्ण है. सो ही वॉज प्रेइंग फॉर एम्पावरमेंट, तो इसलिए उनसे प्रार्थनाएं कर रहे हैं. नॉट जस्ट एम्पावरमेंट, ऑल्सो इंट्रोस्पेक्शन, तो एम्पावरमेंट के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ एम्पावरमेंट नहीं, इंट्रोस्पेक्शन के लिए भी, आत्मलोकन के लिए. बिकॉज इफ वी हियर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ लॉर्ड कृष्ण इन भगवद गीता, और वी हियर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर्स, क्योंकि अगर हम भगवान कृष्ण के निर्देशों को सुनते हैं भगवद गीता से, आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों को सुनते हैं, then we must know how to bring these instructions into practice. तो हमें पता होना चाहिए कि निर्देशों को अपने व्यवहार में कैसे लाना है. We must know from each instruction of Krishna the practical value, how to use it, how to use the salt. तो हमें उसका जो व्यवहारिक मूल्य है पता होना चाहिए कि ये जो निर्देश है इसको व्यवहारिक रूप से कैसे अपनाना है जीवन में. And how to use the salt, we need introspection, how to do that. और इसके लिए आत्मलोकन की आवश्यकता है, कैसे करते हैं introspection? And that introspection, that realization, that strength comes from Balaram. तो ये जो introspection है, ये साक्षात्कार है, ये आता है भगवान से, बलराम से. And then we will be engaged properly in devotional service. और तब हम सही रूप से भक्ति में सेवा में नियुक्त होंगे. And Lord Krishna said to Brahma, everything you have prayed for is granted. भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को आशीर्वाद देते हैं, जो भी चीजों के लिए आपने प्रार्थना की है वो आपको प्राप्त होंगे. As long as you are properly engaged in devotional service, you are protected from Maya. सही रूप से भक्ति में सेवा करने के लिए आपको माया से सुरक्षा चाहिए. So as long as we are properly doing these four things every day, then we are protected against Maya. तो अगर हम इन चार चीजों को सही रूप से प्रतिदिन करें तो आप माया से सुरक्षित रहेंगे. But we cannot have that protection without the mercy of Balaram. परंतु ये जो सुरक्षा है बिना भगवान बलराम की कृपा से हमें प्राप्त नहीं हो सकती. बिकॉज ही अलोन गिव्स अस दिस अस्युता बाला, दिस स्ट्रेंथ टू यूज द सॉर्ड, क्योंकि वही है जो ये अच्युत बला है, ये बल देते हैं इस तलवार का इस्तेमाल करने के लिए. तो दिस व्हाट आई कुड से ऑन दिस अस्युता बाला फ्रॉम दिस फर्स्ट. तो अच्युत बलह, इस पे मैं ये कुछ मैंने प्रस्तुत किया इस श्लोक में से. एनी कमेंट्स एंड क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी? यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, द लेक्चर वाज वेरी गुड, थैंक यू. And I have one question, that is, you were talking about karam and five reasons behind that. So I just want to know that only. What are the five reasons behind the karam that you were talking about? You mean the five reasons, items of action? Yes, yes. Okay. Exactly. तो कर्म के जो पांच कारण हैं वो कौन से होते हैं? So beyond every action, there are five factors. तो एक कर्म को संपन्न
कार्य को संपन्न करने के लिए पांच कारण होते हैं. कृष्ण सेज द अधिष्ठानम द बॉडी फैक्टर वन. पहला है अधिष्ठाना यानी शरीर. कारणम द सेंसेस कारण करण इंस्ट्रूमेंट सेंसेस. सेकंड द थर्ड इन द वर्स इज द कर्ता द डूअर. तीसरा है कर्ता. This is the soul who does things through attachment or desire. तो ये आत्मा को संबोधित करता है. And then we have chesta, that all the desires that comes up into the mind, the endeavor, that is the subtle body. और चौथा है चेष्टा. तो जितनी भी इच्छाएं हैं उस जीव की वो मन में आती हैं और इससे फलस्वरूप चेष्टा करता है. And the fifth factor is the super soul. और जो पांचवें कारण है वो है परमात्मा. फ्रॉम दिस फोर फैक्टर्स वी आर वन फैक्टर. तो जो जीव है इन पांचों कारण में से एक कारण है. वी आर द कर्ता एंड वी डू थिंग्स विद डिजायर. थैंक यू प्रभु जी. या फ्रॉम दिस फोर फाइव फैक्टर्स we are one of this five, the karta. तो इन पांच कारणों में से हम एक कारण है कर्ता जीव. So we are doing things by desire. हम इच्छा से उन कार्य को कर रहे हैं. So Krishna consciousness means changing our desires. कृष्ण भावनामृत का अर्थ है अपनी इच्छाओं को परिवर्तित करना. From trying to exploit the inferior nature through instead of doing that desire to serve Krishna. तो जो भौतिक प्रकृति है उस पर प्रभुत्व जमाने के बजाय भगवान कृष्ण की सेवा करना. हरे कृष्ण. गुड. हरे कृष्णा महाराज जी. दंडवत प्रणाम महाराज जी. मेरा क्वेश्चन है कि ये जो आपने लास्ट में बताया कि माया से बचने के चार उपाय वो थोड़ा सा बता दीजिए. You explained something about four ways through which we can be saved from Maya, protected from Maya. What are those four things, if you can? Yeah. First is follow the four regulative principles. पहला है चार नियमों का पालन करना प्रतिदिन. Second is chanting your rounds with attention. दूसरा है ध्यान पूर्वक जप करना. The third thing is hearing and study daily Srimad Bhagavatam. तीसरा है श्रीमद् भागवतम का प्रतिदिन श्रवण करना और अध्ययन करना. And the fourth thing is doing service for Krishna and the spiritual master. और चौथा है भगवान कृष्ण और गुरु के लिए सेवा करना. Hare Krishna. You had also a question? Manaj, you explained by these four things we get spiritual strength. And sometimes it is understood the other way around. The first we will have spiritual strength and then we will have the ability to do these four things. What comes first? Yeah. That is a good question. Can you translate it? Maharaj ne bataya agar char cheeze karte hain to usse adhyatmik bal prapt hota hai. और ऐसा भी समझा जाता है जब आध्यात्मिक बल होगा तभी ये चार चीजें हो पाएंगी. तो क्या पहले आता है? इट्स इम्पोर्टेंट व्हाट कम्स फर्स्ट इज द मर्सी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर. तो क्या पहले आता है महत्वपूर्ण है ये है आध्यात्मिक गुरु की कृपा. द स्पिरिचुअल मास्टर गिव्स यू द इंस्ट्रक्शंस. आध्यात्मिक गुरु आपको निर्देश देते हैं. The spiritual master tells you to follow the regulative principles. आध्यात्मिक गुरु आपको बताते हैं कि आप इन चार नियमों का पालन कीजिए. He tells you to chant and hear the Bhagavatam every day and to do service. बताते हैं आप प्रतिदिन भागवतम श्रवण कीजिए सेवा कीजिए. Together with his instruction comes his empowerment. इन निर्देशों के साथ empowerment आती है. If you have full faith in his empowerment, there will be no problem. अगर आपको पूरा श्रद्धा है इस एम्पावरमेंट में तो कोई समस्या नहीं होगी. Then we will come gradually to the point of practicing properly.
तो हम इसका सही रूप से आचरण उतारने के पॉइंट तक आएंगे. That if we chant our rounds in the morning with great attention, अगर हम अपने जप सुबह करते हैं ध्यान पूर्वक, we will have the power during the day to conquer this lust, anger, greed. तो हमें वो बल प्राप्त होगा कि दिन के समय जो काम क्रोध लोभ है उस पर हम विजय प्राप्त कर सके. So this is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है. That because chanting with attention is important. जप को ध्यान पूर्वक करना ये महत्वपूर्ण है. Because we are the consciousness. That's a symptom of the soul. ये जो चेतना है ये आत्मा का लक्षण है. If you are chanting the holy name and there is no concentration of consciousness, we are factually not chanting. अगर हम जप कर रहे हैं परंतु चेतना हमारी उस पर केंद्रित नहीं है, स्पष्ट रूप से देखें तो हम जप नहीं कर रहे. Like there was a devotee and he said to another devotee, I didn't see you this morning in the class. Sorry, but there was one devotee who spoke to another devotee, and the devotee said, I didn't see you this morning in the Srimad Bhagavatam class. तो एक भक्त ने दूसरे भक्त से कहा कि मैंने आपको सुबह श्रीमद् भागवतम कक्षा में नहीं देखा. And the other devotee said, Yes, I was sitting there. तो दूसरे भक्त ने कहा, हाँ मैं वहाँ बैठा था. Yes, the other devotee said, I saw your body was there, but your mind was somewhere else, not with the Bhagavatam class. तो इस भक्त ने उत्तर दिया कि हाँ मैंने देखा तुम्हारा शरीर वहाँ पर बैठा हुआ था, परंतु तुम्हारा मन और चेतना कहीं और थे. So if we are there with our consciousness, yes. तो अगर हम वहाँ पर हैं, तो अपनी चेतना के साथ वहाँ पर उपस्थित होना. But we must do our endeavors. तो हमें अपना प्रयास करना है. We must follow these four regulative principles. हमें इन चार नियमों को सख्ती से पालन करना है. Otherwise we cannot concentrate our minds. तो चाहे हम अपने मन को नियंत्रित कर पा रहे हो ना कर पा रहे हो. And that is essential. Thank you. तो ये महत्वपूर्ण है. Yes, communication. Thank you very much, Maharaj. Maharaj, spiritual master is said to be representative of Balram as well as Srimati Radharani. So, how to understand? Is he representative of both? I didn't hear. Spiritual master is representative of Balram as well as Radharani. How to understand this verse? Okay. So, this, the Srila Prabhupada wrote his poem when he arrived in America. He wrote two poems. जब श्रीला प्रभुपाद अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने दो भजन लिखे. तो जी का प्रश्न है कि आध्यात्मिक गुरु भगवान बलराम और राधा रानी दोनों के प्रतिनिधित्व हैं, इसको कैसे समझो. So one poem Srila Prabhupada wrote was Markine Bhagavat Dharma. उसमें से एक जो उन्होंने भजन लिखा उसका शीर्षक है मार्किने भागवत धर्म. And the other is prayers to the lotus feet of Krishna. और जो दूसरा भजन है वो है भगवान चरण कमल, भगवान कृष्ण के चरण कमल के प्रति एक प्रार्थना. And in this prayer to lotus of Krishna there is a refrain that is repeated. और जो दूसरा ये जो भजन लिखा है उसमें एक फ्रेज आता है जो बार बार उन्होंने रिपीट किया. And this refrain says that, oh my brother, know very well if you don't get the mercy of Srimati Radharani, your life is wasted. जिसका अर्थ है कि हे मेरे भाई, अगर तुम्हें राधा रानी की कृपा नहीं प्राप्त होती तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है. So Balaram gives us the spiritual strength to connect with Srimati Radharani. तो भगवान बलराम वह आध्यात्मिक बल देते हैं जिस बल के माध्यम से राधा रानी के साथ अपना संबंध को जोड़ सकते हैं. In that way, the spiritual master represents the mercy of Srimati Radharani. इस प्रकार से जो आध्यात्मिक गुरु हैं
वो श्रीमती राधा रानी की कृपा का प्रतिनिधित्व करते हैं। जस्ट अ थॉट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय शंकराचार्य श्रीमद्भागवतम की, शिल प्रभुपाद की, होलीनेस भक्ति प्रभु स्वामी महाराज की जय। थैंक यू वेरी मच महाराज, आई एम रिक्वेस्ट यू व्हेन यू कम टू इंडिया प्लीज विजिट दिस टेंपल एंड ब्लेस अस विद योर एसोसिएशन। थैंक यू सो मच, श्रील प्रभुपाद की जय।